मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हम आज देंगे आईएमए का अपडेट। और आईएमए का अपडेट कौन देंगे? मिस्टर ताहिर। ताहिर भाई साहब, बहुत दिनों के बाद स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ताहिर भाई, ये बताइए, आप इतने दिन गायब क्यों हो गए थे? असल में आईएमबी क्या, बहुत दिनों से सारे पॉलिटिशियंस को बुलाने के शुरू कर दिया था। अच्छा। और वो पॉलिटिशियंस ने आईएमए के नाम पे बहुत वादे किए, लोगों से वोट लिए, ये लिए वो लिए। जब पॉलिटिशियन जो मेरी जगह जब पॉलिटिशियन आप लोग बुलाने लग गए, हाँ। और वो लोग इसके आईएमए के ऊपर बहुत सारे वादे करके फ़ायदा उठाने लग गए, तो मैं सोचा मेरी क्या ज़रूरत है। जब वो लोग सेटल हो जाएंगे, जब फेल हो जाएंगे, तब मैं आऊँगा इंशाल्लाह। अरे, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने फॉलोअर हैं, मेरी अपनी ताहिर भाई की बात सुनना चाहते हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से कर रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी भागा नहीं हूँ, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ। ताहिर भाई, आप भी नेता जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है कि अरे चलो बाद में देखेंगे, अरे वो नेता अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। नहीं, नेता अपना काम से भाग सकता है, मैं एडवोकेट नहीं भाग सकता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो ये बताइए ताहिर भाई कि आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, आज ये बहुत दिनों बाद एक अच्छी एक हेयरिंग हुई और इसमें कोर्ट ने सब डायरेक्शन दिए। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉपर्टियां पूरी कोर्ट से पहले अटैचमेंट को एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट होने के बाद उसको ऑक्शन में डालना है, तो ये थोड़ा सा एक प्रोसीजर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसमें क्या होता है, बीच में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ जाता है, वो लोग ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, फिर कोर्ट उस पर हेयरिंग करके टाइम लगाता है उसको करने में। तो इसी प्रोसीजर की वजह से सब लेट हो रही है पूरी प्रॉपर्टी को लिक्विडेशन होने के लिए। आज कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन दिया है, और भी कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, और स्पेशल कोर्ट बनाओ जिससे ताकि आईएमए के लिए स्पेसिफिक एक कोर्ट बनाओ, ताकि पूरे आईएमए के मैटर्स उसमें चले और जल्दी जल्दी डिस्पोज होए। तो ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। और आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट दिया, उसमें उसने जैसे मैं बताया था क्लेम फॉर्म जो कि हम लोग अक्टूबर के महीने से वेट कर रहे हैं, तो उसने आज बताया कि ये हमने ऑनलाइन के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी तैयार कर लिया है, उसका पूरा हमने अप्रूवल भी गवर्नमेंट से ले लिया है। और ये जो एजेंसी है, जो तुम्हारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, या आईएमए के डेटाबेस से भी कनेक्ट है, इसका एक बहुत जल्दी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आधार में ऑथेंटिफिकेशन करना है, ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पेंडिंग है अप्रूवल। वो अप्रूवल जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो लोग 15 दिन इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, इसको एक ट्रायल रन करेंगे, उसके बाद क्लेम फॉर्म देंगे। और क्लेम फॉर्म में आप लोग ऑनलाइन भी कहीं अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो बेंगलोर वन में या कर्नाटका वन में 5,000 से ज़्यादा सेंटरों में आप उसको भी जाके अपना क्लेम फॉर्म कर सकते हैं, जिससे उनको क्लेम आ जाएगा। देखिए, क्लेम आना, जो क्लेम के लिए अप्लाई करना एक अलग चीज़ है, और दूसरा जो प्रॉपर्टियों को लिक्विडेट करके, वो एक पैरेलल चीज़ चल रहा है। तो हम लोगों को क्या लगता है कि आज तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने अपडेट दिया नहीं, कोर्ट में गए नहीं, मगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूरे काम कर रहे हैं पूरे, और ये पूरी चीज़ क्या है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंदर में है। इवन अगर वो पिन भी अगर उनको इधर से उधर करना है, तो उसके लिए भी वो लोग हाई कोर्ट से परमिशन लेना है। तो हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे चल रहा है, और चीफ जस्टिस है ये बहुत ही इंटेलिजेंट जज है, हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेता है और बहुत जल्दी उसको समझ के एक अच्छा आइडिया, और उसने आज बहुत अच्छे डायरेक्शन दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ एक फरवरी के सेकेंड वीक में तक भी हो सकता है क्लेम पिटिशन आ जाएगी। और अब जो डेट दिया है इसने, मार्च 2020 का दिया है। ये क्यों दिया है मार्च का डेट, 5 मार्च का? वो चाहता है कि जब तक ये 6 वीक में, जो आने वाले 6 वीक में स्पेशल कोर्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टियों का फाइनल डिसीजन हो जाए, ताकि उनको जो सेल प्रोसेस है, उनका लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में उन्हें अपडेशन कर सके। तो आज बहुत अच्छे डायरेक्शंस हुए हैं। और सीबीआई के में भी आपको जैसे मालूम होगा, एक सीबीआई का जो मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको गवर्नमेंट चेंज करने वाली थी, फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देके उसको उस स्पेशल ऑफिसर को चेंज करने से रुकाया। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो रीजनल कमिश्नर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था, अब उसको सारी जिम्मेदारियों से दूर करके खाली वो सिर्फ आईएमए का एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन के काम कर रहा है। और जो रेगुलर जो और स्टाफ चाहिए थे हाई कोर्ट के डायरेक्शन, और स्टाफ्स की भी एक ले भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और उसको रिपीटेशन ही बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सारा काम चल रहा है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसलिए है कि एक तो ये ऐसी स्कीम है, पोंजी स्कीम, सबको मालूम रहता है पोंजी स्कीम में अगर पैसे डालना, निकालना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि ये आईएमए ही है जिसमें आप लोगों को पैसा मिलेगा। और आज भी जो कोर्ट हो रहा है, हमारा कोई आर्गूमेंट नहीं हो रहा है अभी, कुछ भी हमारा आर्गूमेंट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जो हमने केपीआईडी एक्ट में जो पिटीशन फाइल की थी, उसमें जो डायरेक्शंस हुए थे, उसी का फॉलोअप हो रहा है वो। तो इंशाल्लाह, वो अल्लाह से उम्मीद कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फैसला आएगा। मगर मैं आप कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, इसमें शायद देर या सवेर हो रही होगी इसमें, मगर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यही पूरे इंडिया में ऐसा केस है जो इतनी स्पीड से
विद प्रोसीजर चल रहा है, अब तो कोई केस नहीं चला। और आपको ये शायद मालूम होगा कि मैंने बहुत सारे जो ज्वेलरी रिलीज के लिए भी डाले थे वो सिर्फ ये कोर्ट्स की स्पेशल कोर्ट में डेट देने की वजह से डिले हो रहा था। तो अब स्पेशल कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्पेशल कोर्ट्स को पूरी एप्लीकेशन जल्दी डिस्पोज करो, तो उसमें उस डायरेक्शन में जो ज्वेलरी की पिटीशन जो पेंडिंग्स हैं वो भी बहुत जल्दी डिस्पोज होगी। और मैं समझता हूँ 31 मार्च तक ज्वेलरी भी सबको मिल जाएगी मोस्टली, और ये लिक्विडेशन के बारे में एक अच्छा कदम भी एक क्लैरिटी भी हो जाएगी उसमें। तो अब आप की बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग 5 मार्च तक हुआ, तो ये जो डिले हुआ 2 महीना का कोर्ट हियरिंग नहीं है, इसका कुछ वजह पता चला? नहीं, इसमें कोई डिले कुछ भी नहीं हुआ। असल में क्या था कि इससे पहले दिसंबर के महीने में जब केस पोस्ट हुआ था उस टाइम में था जो जज था, जो प्यूसिन जज था, चीफ जस्टिस के अलावा जो प्यूसिन जज था वो उसमें डिसेबल था, यानी कि वो कभी किसी टाइम में उसके आईएमए से रिलेटेड किसी भी इशू में कभी वो एज ए एडवोकेट अपेयर हुआ होगा। तो जब ऐसा होता है तो वो जज उसको हियरिंग को डिसेबल हो जाता। फिर उसके बाद 15 दिन कोर्ट हॉलीडे आ गए, फिर जब कोर्ट हॉलीडे होने का दूसरी 2 हियरिंग हो गई। तो पहली हियरिंग में डायरेक्शन दिया था लास्ट टाइम, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी, इस बार उन्होंने रिपोर्ट दी और कोर्ट ने पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हर चीज़ों को ये कोर्ट मॉनिटरिंग इन द सेंस बोले तो क्या चल रहा है एक स्टेज में, वो उसको उस पर नजर रखना है, उसने जो होना है वो लॉ के हिसाब से होना है, जो KPID एक्ट के अंदर से होना है। तो कोर्ट ने आज बहुत सारी चीज़ें, और आपको ये भी चीज़ मानना पड़ेगा, आप जो स्पेशल कोर्ट है वो प्रिंसिपल बेंच जज है, उस प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज उसके और भी अपने केसेस भी रहते हैं, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और तो इसकी वजह से सब डिले हो रही है। इसीलिए आज कोर्ट ने स्पेशली ऑब्जर्व किया और रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दिए हैं कि एक स्पेशल कोर्ट IMA के लिए एक स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए, ताकि सारी चीज़ें बहुत जल्दी होए। तो ठीक है, तो हियरिंग तो 5 मार्च को होगा, उसके पहले आपने कहा कि ऑनलाइन कुछ फॉर्मर होगा, वो मोस्टली फरवरी के तक आना चाहिए वो। हाँ। क्योंकि देखिए उसमें एक थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है, एक तो ये लोग ऑनलाइन ऐसा करना चाहते हैं जिसमें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो आपका IMA का जो आइडेंटिफिकेशन का था, इन तीनों से एक ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो मैनेज कर रही है ऑनलाइन साइट, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। आधार के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ये सारी परमिशन की वजह से डिले होती है। और अगर आप क्लेम फॉर्म लाएंगे तो आप सिर्फ क्लेम फॉर्म भरेंगे, आपको थोड़ी पैसा मिल जाएगा जी। असल इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी लिक्विडेट होना। क्लेम फॉर्म 1 महीना क्या 2 महीना भी लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले प्रॉपर्टी लिक्विडेट होकर हाथ में पैसा आ गया तो ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएगी। मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, और आप भी अगर सर्च करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में यही एक ऐसी पोंजी स्कीम कंपनी है IMA की, जिसमें कोर्ट ऐसे डायरेक्शन में काम कर रहा है और इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँचा भी है ना, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग वजह से यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ताहिर भाई आप बोल रहे हैं कि ये कोर्ट का केस है तो टाइम लगता है जी जी, तो जो भी प्रोग्रेस है अनदर 2 महीने में दिखाई देगा जी। और ये कॉम्प्लिकेशंस भी है ना, देखिए आप इतने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी इधर उधर फैली हुई है, इसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, किसी को पैसा दे दिया, और आपको मालूम है फॉरेंसिक रिपोर्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टियां बेनामी प्रॉपर्टियों की डिटेल्स है। अब फॉरेंसिक वो जो इतनी बल्कि रिपोर्ट है वो भी एक दिन में होने वाला नहीं है, वो तो वो पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट का ड्राफ्ट भी मार्च में आएगा। उसके बाद जो जो लोगों ने इसने बेनामी प्रॉपर्टी शिफ्ट कर दी है वो पूरी प्रॉपर्टियां भी सीज होगी, वो भी पूरी आपके वापस लिक्विडेशन प्रोसेस में होगी। इस बीच में बहुत सारे रूमर आते हैं जो भी IMA के डायरेक्टर हैं उनको बेल मिल गया है, वो बाहर निकल गए, वो सारे बाहर निकल चुके हैं। देखिए सारे मैंने आपको बोला था, शुरू से मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टर्स वगैरह को सब बेल मिल जाए, क्योंकि उनका माइनर रोल था, मेन रोल था इस अजर ये तुम्हारे मंसूर का, मंसूर का रोल था, इसलिए उन्हें अब तक बाहर नहीं निकला। और अभी जब जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आगे बढ़ेगी तो CBI भी बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के दौरान कई लोगों ने जो बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी होगी, जैसे आपने बताया था एक पॉलिटिकल लीडर ने 400 करोड़ रुपये लिए थे, अगर वो सब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हुआ तो CBI उनको एक्यूज बनाएगी, उनको तो अरेस्ट करेगी, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। सारे प्रोसीजर लंबा है, एक दिन में होने वाला नहीं। आपको शायद मालूम होगा वेस्ट बंगाल में केस CBI ने इन्वेस्टिगेशन करके एक-एक करके 23 MLAs को अरेस्ट किया था, तो सेम ये उतना लंबा तो प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि इस प्रोसेस ये लंबा नहीं चलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी 2 वजह हैं, एक तो हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जो ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, तो उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा इसमें। तो अच्छी बात है, ये आप कह रहे हैं कि केस अच्छा चल रहा है और काम रुका नहीं है, सिर्फ क्या था कि कोर्ट की हियरिंग नहीं थी लेकिन इंटरनली काम चल रहा है। काम चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया IMA के ऊपर अपडेट डालने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। जज़ाकअल्लाह।